Have you heard name of Mr. Vittal? He was any director of GSFC once, long time ago. याद आ रहा है कुछ नहीं senior IAS officer. आपने किसी ने सुना होगा ना एन विट्टल. बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्रेटरी बने. हाँ जे एन एफ सी के थे. तो मैंने एक वॉल्यूम एडिट किया. IAS का एकेडमी है लव मसूरी में, मैं जाता हूँ पढ़ाने वहाँ. तो उनका एक जनरल आता है एडमिनिस्ट्रेटर. 1992 में मैंने उसका एक स्पेशल इशू इनोवेशन पैक एडिट किया. एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन. आपने एक वर्ड यूज किया अभी HR पॉलिसी. आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ HR पॉलिसी इनोवेशन. ध्यान से सुनना भाई. तो मिस्टर विट्टल वेंट एंड बिकेम एक सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक. जहाँ भी गए उन्होंने ये कुछ ना कुछ इनोवेशन किया. ही वॉज अ वेरी इनोवेटिव ऑफिसर, वेरी गुड फ्रेंड. तो उन्होंने अपना उनसे मैंने लिखवाया ये आर्टिकल. बोले मैं गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में. देन आई आस्क्ड एवरीबडी टू फाइंड आउट वन यूनिक टैलेंट दे हैड. किसी ने लिखा मुझे जैपनीज आती है, किसी ने लिखा मुझे फ्रेंच आती है, किसी ने लिखा मुझे चाइनीज भी आती है, और भी चीज़ें लिखी. अब वी ही सेज आई एम कोटिंग हिम दैट वी यूज्ड टू हैव बिजनेस डीलिंग विद डिफरेंट कंट्रीज and they will talk among themselves in their language. We had no clue. So we thought, why don't we have our interpreters present in that meeting? Because they will then capture us. So suddenly, the negotiations and just deliberations became in our favor because now we knew what they were talking. And this talent was underutilized. We started sending them. Their plant, those countries, look at those, meet the plant. Japanese ने क्या किया था, जाते थे फोटो खींचते थे और आकर दोबारा मशीन बना लेते थे. इन्वेंशन अमरीका करता था, कमर्शलाइज जापानीज करते थे. कैमरा जापान ने कोई इन्वेंशन नहीं किया मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. ऑल दिस इन्वेंशन टुक प्लेस इन यूएस. दे मिनिचराइज, दे कमर्शलाइज. कैमरा, टेलीविजन, रिकॉर्डर, कुछ भी ले लो, नन ऑफ देम आर इन्वेंटेड इन जापान. तो बोले यार हम क्यों नहीं कर सकते ये काम. मतलब कि HR के अंदर अगर आप सबसे पूछेंगे भाई तुम्हारा कोई यूनिक प्रोजेक्ट था, तुम्हारा कोई यूनिक आइडिया था, तुमने कोई यूनिक स्किल है तुम्हारे पास, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई कुक होगा, कोई कुछ भी होगा, व्हाट द हार्म इन नोइंग दैट. एंड वंस इन अ वाइल अगर पार्टी है, चलो भाई तुम लोग रिकॉग्नाइज करोगे ना इसके चार लोग. यू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, यू डिसाइड द मेनू, यू डू इट. तो एक अलग ही बात आएगी उसके अंदर, एज अगेंस्ट ऑफरिंग आस्किंग अ कैटरर टू डू इट. पैशन तो नहीं आ सकता ना उस तरीके का. पैशन, हाउ टू हार्नेस द पैशन एंड ब्लेंड इट विद कंपैशन सो दैट वी आर मोर ह्यूमेन. एवरी टाइम वी डू थिंग्स वी ऑल्सो बिकम मोर ह्यूमेन, काइंड, जनरस, टॉलरेंट. वो भी जरूरी है, अच्छे इंसान होना भी तो जरूरी है ना.